हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे जिसे जानने के बाद फ्रेंड्स आप सभी हैरान होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये 5 जादुई टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल की कौन सी है। ये सारी ट्रिक्स जो है फ्रेंड्स आप सभी आज से ही यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि 2022 में सारी ट्रिक्स जो है आप सभी के लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहली ट्रिक को हम जानते हैं। अगर मेरे को अपनी एक्सेल शीट के अंदर पूरा का पूरा डेटा जो है हाइड कर देना है तो मैं कैसे करूँगा? अगर कोई व्यक्ति उसमें आके सेल्स में अगर आके कोई भी डेटा टाइप करता है तो वो भी हाइड हो जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वो हम कैसे करेंगे? तो जनरली होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपको डेटा हाइड करना हो तो आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो आप जैसे यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कलर जो है वाइट है, तब ऐसे केस में आप टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक कर देंगे और हाइड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरीके से हाइड नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी पूरी एक्सेल शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल्स का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट सेल्स की और आपको यहाँ पर जाना है कस्टम में। कस्टम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए टाइप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे आप जो है 3 बार सेमी कॉलन जो है टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 बार सेमी कॉलन जो है टाइप कर दिया है और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, बूम, वाओ, ये क्या हुआ, सारा का सारा डेटा जो है गायब हो गया। और इतना ही नहीं, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, मैंने हेलो लिखा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, भाई ये भी डेटा गायब। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने किस तरीके से यहाँ पे डेटा को हाइड किया। इसको अगर अनहाइड करना है तो दोबारा से आपको पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर आपको जो है जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो है यहाँ पर कस्टम में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से जो आपने यहाँ पे 3 सेमी कॉलन लगाए थे, इसको जो है आपको यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है सारा का सारा वापस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपने फ्रेंड्स को या अपने कॉलेज कलीग्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक में ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ डेटा है जिसमें नेम एंड नंबर जो है मिक्स है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करूं तो कैसे करूंगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जनरली हम यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर अलग अलग करते हैं नंबर, मैं यहाँ पे अलग लिखूंगा, इस जगह पे मैं नंबर लिखूंगा और इस जगह पे मैं नेम लिखूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। और ऐसे में अगर डेटा बहुत सारा हो तो फ्रेंड्स टाइम की तो आप बात ही मत कीजिए, टाइम आपका कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर इसको आपको एकदम फास्ट तरीके से करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जो फर्स्ट नेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं नंबर्स को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने अल्फ़ाबेट सिर्फ लिखे हैं। तो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही मैं फर्स्ट को टाइप कर दूँगा, अब उसके बाद मैं एंटर करूँगा, अब मैं सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करूँगा, जो सेकेंड लेस्ट यानी सेकेंड इसमें जो ये वाला नेम है, नेम एंड नंबर, अब मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो इसमें मैं टाइप करता हूँ एम ए। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने किया तो फ्लैश फील ने सभी डेटा जो है यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, बस अब आपको एंटर करना है और ये सब ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से फ्लैश फील की हेल्प से यहाँ पे डेटा को शॉर्ट कर दिया। अब यही चीज़ हम नंबर में देखते हैं कि अगर हमें नंबर करना हो तो नंबर में आपको सिर्फ नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले का नंबर जो है यहाँ पर टाइप करता हूँ, सिर्फ नंबर ले रहा हूँ मैं इस बार। तो यहाँ पर मैं नंबर लेता हूँ 7763 स्पेस 369, एंटर कर दिया। अब टाइप करता हूँ यहाँ पे 36। अब आप देख सकते हैं ये डेटा इसने खुद ले लिया और जैसे मैं एंटर करूँगा तो बूम, इसने जो है पूरा का पूरा डेटा जो है खुद से अरेंज कर लिया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितने आसान तरीके से इतने बड़े डेटा को फ्लैश फिल की हेल्प से यहाँ पे फिल कर दिया और डेटा को जो है शॉर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली ट्रिक जो है ज़रूर पसंद आई होगी। इसी बात पे जो है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर मेरे को बिना कंट्रोल सी या बिना क्लिपबोर्ड के अगर मुझे डेटा को कॉपी करना है तो मैं कैसे करूँगा, है ना, इंटरेस्टिंग टास्क। अब मान लीजिए कि मेरे को ये वाला नेम जो है, ये सेक्शन जो है नेम का, मुझे कॉपी करना है।
तो जनरली होता है कि आप कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं फिर, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और यहाँ से डेटा को आपको मूव कर देना है। जहाँ पे भी आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, माउस छोड़ दीजिए, आपका डेटा जो है कॉपी हो जाएगा। देखा आपने, अगर मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं मूव करूँ कहीं तो वो भी कर सकते हो। आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, मूव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, जैसे मूव टूल आ जाए आप इसे अपने हिसाब से मूव कर लीजिए। अब डेटा कॉपी नहीं होगा, सिर्फ डेटा जो है मूव हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमने डेटा को कॉपी कैसे किया और डेटा को यहाँ से मूव कैसे किया। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक्सेल में होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो एक क्लिपबोर्ड में यहाँ पे जो है हमारे कॉपी का डेटा जो है आता रहता है, 24-25 टाइम्स तक जो है हम कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब मैं इस वाले डेटा पे जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब मैं फिर दोबारा नेक्स्ट डेटा पे जाता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब मैं जब कंट्रोल वी करूँगा तो फ्रेंड्स लास्ट वाला डेटा कॉपी होगा, है ना। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट वाला डेटा जो है यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, देखिए फर्स्ट वाला आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकेंड वाला डेटा आए, अब मैं इस पे गया, मैंने यहाँ पे मिड में सेलेक्ट किया, तो देखिए सेकंड वाला डेटा आ गया। इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपने क्लिपबोर्ड को बंद कर रखा है, अब ऐसे केस में अगर आपको डेटा को पेस्ट करना हो तब क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक विंडोज़ का एक हिडन फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सेल को सिलेक्ट कर देना है, यह आपको विंडोज़ 10 के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस वी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे विंडोज़ का क्लिपबोर्ड आ गया है। ये वाला विंडोज़ का क्लिपबोर्ड है, ये वाला एक्सेल का नहीं है। आपको जो भी डेटा यहाँ से उठाना है आप उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने यहाँ से भी विंडोज़ क्लिपबोर्ड की हेल्प से भी यहाँ पे डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ये ट्रिक कैसे लगी फ्रेंड्स, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जो है ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।